दोस्तों, मैं निशा खान आ गई हूँ फिर से एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी के साथ। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी को मेरी ये रेसिपी देखने में मज़ेदार लग रही होगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन आलू गोश्त। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हम अपनी आज की रेसिपी को आप सभी के साथ शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में डाल लिया लगभग 50 ग्राम तेल। गर्म करने के बाद अब इसमें डाल लेते हैं लगभग 3 से 4 लौंग, 2 से 3 छोटे दालचीनी के टुकड़े, 1 टमाटर की प्यूरी। अब हम इसमें डाल देते हैं लगभग 500 ग्राम चिकन, जिसे हमने पहले ही वॉश कर लिया था। अब हम प्यूरी के साथ चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एक बार। अब मैंने इसमें डाल दिया लगभग 2 फाइन चॉप किए हुए टमाटर, 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून चिकन होममेड पाउडर। तो चलिए हम सारे स्पाइसेस को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एक बार। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, जो हमारे स्पाइसेस है चिकन के साथ अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं 2 से 3 आलू, जिन्हें हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहें तो टुकड़ों को बड़ा साइज भी रख सकते हैं। तो चलिए एक बार हम चिकन और आलूओं को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बाकी मसालों के साथ। और इसमें बिना पानी डाले अभी हमें इसे कुक करना है। अब मैंने इसमें डाल दिया है नमक स्वादानुसार। नमक को भी हम मिक्स कर देते हैं इनके साथ। अब इसे हम कवर कर देते हैं। इसे लगभग हमें मीडियम फ्लेम पर लगभग 12 से 13 मिनट तक कुक कर लेना है। तो चलिए हमारा टाइम देख हो चुका है, अब एक बार चेक कर लेते हैं चिकन को और आलूओं को। आप देख सकते हैं जो हमारा चिकन और आलू है वो अच्छे से भुन चुके हैं, और आप देख सकते हैं जो हमारे आलू हैं वो भी अच्छे से कुक हो चुके हैं, और हमारा जो चिकन है वो भी अच्छे से कुक हो चुका है। इसे लगभग हमें 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही कुक कर लेना है कवर करके। तो हमारा चिकन और आलू तो कुक हो चुके हैं और अच्छे से भुन भी चुके हैं। तो चलिए अब इसमें हम डाल देते हैं लगभग 1 कप पानी। अब हम इसमें पानी डालने के बाद हमें इसे 5 मिनट तक और ऐसे ही कुक कर लेना है। अब इसमें हम डाल देते हैं फ्रेश शॉप किया हुआ हरा धनिया, और हम अपनी गैस को टर्न ऑफ कर देते हैं और कवर कर देते हैं। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, मेरी आज की रेसिपी चिकन आलू गोश्त की बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आप सभी को मेरी आज की ये डिश पसंद आई। तो चलिए अब बारी आती है इसे सर्व करने की। तो ये लीजिए, हमारी जो आज की रेसिपी है चिकन आलू गोश्त बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है।
उम्मीद है आप सभी को ये देखने में मज़ेदार और टेस्टी लग रही होगी। जिन जिन को मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट